हाय एवरीवन, मैं हूँ शालिनी और परिस्थिति किचन में आपका वेलकम है। गाइस, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ डिनर रेसिपी या आप स्नैक रेसिपी कह सकते हैं। वो तो खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है और बहुत इजीली बहुत जल्दी बन जाती है। तो चलिए इसकी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। आज मैं बनाने जा रही हूँ खस्ता कचौड़ी, वो भी चावल के आटे की। तो चावल के आटे के लिए सबसे पहले मैंने एक बॉल लिया है, इसमें मैं डाल रही हूँ चावल का आटा। तो ये देखिए गाइस, इसी कटोरी के मेजरमेंट से मैं दो कटोरी चावल का आटा लूँगी। ये देखिए, एक कटोरी मैंने और डाल दिया है। बस इसके बाद हम लेंगे आधी कटोरी के करीब सूजी। आप कोई भी सूजी ले सकते हैं, बारीक सूजी या मोटी सूजी। इसके बाद मैं ले रही हूँ अजवाइन, और अजवाइन को हम अच्छे से क्रश कर लेंगे। तो मैंने एक चम्मच के करीब इसमें अजवाइन ली है। इसके बाद लेंगे हम जी सौंफ, सौंफ भी मैंने एक चम्मच के करीब लिया है। इसे भी हल्का सा अच्छे से क्रश कर लेंगे, वो भी हम इसमें डाल देंगे। क्योंकि हम मसाला वाली कचौड़ी बनाने जा रहे हैं तो खाने बहुत ही खस्ता लगती है। तो चलिए, इसके बाद फिर मैंने लिया है आधा चम्मच के करीब जीरा। जीरे को भी हल्का सा थोड़ा सा मैश कर लीजिए, उसके बाद ही डालिएगा। मैं जितनी चीज़ें डाल रही हूँ सब अच्छे से मैश करके डाल रही हूँ। फिर मैं डालूँगी नमक, नमक स्वाद अनुसार डालूँगी, जितने हमने आटा लिया है उसी के अकॉर्डिंग डालूँगी। इसके बाद मैं डेढ़ चम्मच के करीब ले रही हूँ कस्तूरी मेथी। आप इसे भी अच्छे से क्रश करके ज़रूर डालिएगा, इसको डालने से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। इसके बाद फिर हम लेंगे हरी मिर्च। तो मैंने ये दो से तीन हरी मिर्च ली हूँ, और आधा चम्मच के करीब अदरक। अदरक को मैंने अच्छे से क्रश कर लिया था, वो भी हम इसमें डाल देंगे। फिर आप चाहें तो इसमें प्याज भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं प्याज अभी नहीं डाल रही हूँ। और फिर मैं डाल रही हूँ इसमें धनिया पत्ती। आप इसमें और भी मसाले ऐड कर सकते हैं, या चाहें तो आप इसमें गाजर या और भी सब्जियाँ जो हमारी वेजिटेबल हैं आप उसमें वो भी डाल सकते हैं। इसके बाद फिर मैं डाल रही हूँ इसमें तीन बड़े आलू, जिसको मैंने अच्छे से कद्दूकस कर लिया था, हाथ से अच्छे से मैश कर लिया था। तो बस हम वो भी इसमें डाल देंगे। तो देखिए, इस तरह से अच्छे से मैश कर लेंगे, थोड़ा सा हम चम्मच से कर लेंगे। उसके बाद फिर हम हाथ से ही अच्छे से इसका एक डो तैयार करेंगे। जिस तरह से पहले हम आलू और आटे को अच्छे से मैश कर देंगे, जिस तरह से मैंने चम्मच की सहायता से अच्छे से मैश कर लिया था, बस इस तरह से अब हम हाथ से ही अच्छे से इसको मैश कर लेंगे। हम इसमें ज़्यादा पानी का यूज़ बिल्कुल नहीं करेंगे। यदि आपको जब ज़्यादा सूखा लगता है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए, मैं ज़्यादा नहीं, बहुत ही कम पानी ऐड कर रही हूँ, क्योंकि हमने इसमें आलू डाल दी है, तो आलू से ही हमारा काफ़ी अच्छे से डो तैयार हो जाएगा। तो हल्का सा सूखापन होने के कारण मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा पानी, ज़्यादा पानी नहीं। तो ये देखिए गाइस, इस तरह से हमारा ये डो तैयार हो गया है। और डो ज़्यादा सख्त भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं होना चाहिए। तो ये देखिए, इस तरह से मैंने डो अच्छे से तैयार कर लिया है। इसके बाद मैं हाथ में थोड़ा सा ऑयल लेकर अच्छे से इसको मसल लेंगे। तो इससे क्या होता है, एक तो ये चिपकता नहीं, और जो हमारा डो है काफ़ी अच्छे से स्मूथ हो जाता है, और बहुत अच्छी क्रिस्पी हमारी कचौड़ी बनती है। तो बस इस तरह से हल्का सा तेल लेके अच्छे से हम इसको मसल लेंगे। देखिए, ऐसे करते करते डो बिल्कुल हमारा परफेक्ट तैयार हो चुका है। हम इसको थोड़ी देर के लिए ढाँक के रखेंगे रेस्ट के लिए, जिससे जो हमारी सूजी है वो भी काफ़ी अच्छे से फूल जाएगी। तो गाइस, 15 मिनट के बाद हमारा जो कचौड़ी का आटा है बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो चलिए कचौड़ी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा आटा ले रही हूँ और एक लोई ले रही हूँ। देखिए, ये मैं बड़ी सी थोड़ी सी इसकी लोई ले रही हूँ, और थोड़ा बड़ी सी हम इसकी एक पूड़ी ले लेंगे, पूड़ी या रोटी भी बोल सकते हैं आप। इस तरह से हम थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे इसे, और ज़्यादा पतला नहीं, हल्का सा हम इसकी मोटी रखेंगे, पूड़ी से थोड़ा सा इसको हम मोटा रखेंगे। और बीच में आप इस तरह से यदि चिपक रहा है तो आप इसमें थोड़ा सा पत्थर लगाते जाइए,
और हल्का सा हम इसको और बड़ा करेंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमारी बड़ी सी एक रोटी तैयार हो चुकी है। अब आप किसी ढक्कन से या किसी कटोरी या किसी कटर से आप इस तरह से इसे बीच से इस तरह से कटोरी के नाप से काट लेंगे। ये देखिए तो मैं कचौड़ी के हिसाब से इसे छोटी छोटी पीसेस में काट रही हूँ, छोटी छोटी पुड़ियों में। तो बाकी बचा आटा हम अलग कर लेंगे, हम दूसरी कचौड़ी बनाने में यूज़ करेंगे। तो ये देखिए गाइस कितनी अच्छी हमारी छोटी छोटी कचौड़ियाँ निकल आई हैं। बस इसी तरह से हम अपनी सारी कचौड़ियाँ तैयार कर लेंगे। ये देखिए मैंने अभी 3 करी है। तो चलिए इसके बाद फिर मैंने कढ़ाई चढ़ा दी हूँ और जो तेल है हमारा वो अच्छे से गर्म ज़रूर करिएगा, क्योंकि ये धीमी आंच में करेंगे, ज़्यादा नहीं, हमें धुआं वैसा नहीं करना, हल्का सा हम गर्म ही रखेंगे। और गैस का फ्लेम जब थोड़ी सी देख लेंगे थोड़ा सा मीडियम कर लेंगे, क्योंकि ये बहुत जल्दी सिक जाती हैं। तो बस इसी तरह से हम 2 या 3 करके हम सेक लेंगे और अच्छे से चम्मच से धरिए से अच्छे से प्रेस कर देंगे, जिससे ये बहुत ही अच्छी फूलने लगती हैं। तो चलिए तीसरी भी हम डाल देंगे इसमें। आप चाहे देखिए करके डाल सकते हैं या 3 इकट्ठे डाल सकते हैं। तो देखिए काफ़ी अच्छे से ये सिकने लगी है। आप कोशिश करिए ये प्रोसेस 2 से 3 बार करेंगे, इससे जो हमारी कचौड़ियाँ हैं बहुत ही अच्छी खस्ता बनती हैं। तो इस तरह से हमारी ब्रेकफास्ट रेसिपी और स्नैक रेसिपी या आप डिनर भी कह सकते हैं तैयार होने वाली है। ये देखिए मैं 2 से 3 बार इसे पलट रही हूँ, इससे जो हमारी कचौड़ी है बहुत ही खस्ता बनती है और खाने में बहुत टेस्टी लगती है। तो बस हम इस तरह से इन्हें निकाल लेंगे। एक प्लेट में लगते जाएंगे। तो ये देखिए गाइस इस तरह से हमारी कचौड़ी तैयार हो चुकी है। तो चलिए अब हम आलू की सब्जी भी तैयार करते हैं। तो इसके लिए मैंने ये देखिए 4 टमाटर, 2 मिर्ची और अदरक और आलू और 1 प्याज ली है। हम आलू की रसेदार सब्जी बनाएंगे, जिससे आलू की सब्जी में कचौड़ी खाने में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। चलिए इसके बाद हम अपनी सब्जी की रेसिपी तैयार करते हैं। तो गाइस सबसे पहले मैंने इसमें डाला है 2 चम्मच के करीब तेल और 1 चम्मच जीरा और जो हमारी प्याज थी वो भी मैंने इसमें डाल दी है। आप चाहें तो प्याज आप इसमें स्किप भी कर सकते हैं। ये देखिए प्याज हम डालने के बाद हम इसको चला देंगे और जो हमारे टमाटर, प्याज और अदरक था मैंने उसकी एक प्यूरी बना ली है, तो वो भी हम इसमें मिक्स कर देंगे। मैंने उसको अच्छे से मिक्सी में ग्राइंड कर लिया है। तो ये देखिए गाइस प्याज हमारी हल्की सी ब्राउन हो जाएगी, उसके बाद हम इसमें टमाटर की प्यूरी ऐड करेंगे। तो ये देखिए प्याज हमारी काफ़ी अच्छे से हो चुकी है, हल्का सा हम इसको और भूनेंगे और इसमें हम डाल देंगे अपनी टमाटर की प्यूरी। ये हमारी सब्जी है टमाटर की प्यूरी, बहुत जल्दी बन जाती है आलू टमाटर की सब्जी। और कचौड़ी यदि आप इस सब्जी के साथ खाएंगे तो बहुत ही अच्छा स्वाद बन जाता है। ये देखिए गाइस इस तरह से मैंने टमाटर की प्यूरी भी डाल दी है। और बस इसमें हम मसाला ऐड कर देंगे। सबसे पहले मैं इसमें ऐड कर रही हूँ धनिया पाउडर मैं 2 चम्मच के करीब इसमें डाल रही हूँ। इसके बाद हम इसमें डालेंगे हल्दी 1/2 चम्मच के करीब और डालेंगे हम इसमें नमक। ये देखिए नमक मैंने डाल दिया इसमें। इसके बाद मैं इसमें डाल देंगे 1/2 चम्मच के करीब लाल मिर्च, ये कश्मीरी लाल मिर्च है क्योंकि मैं हरी मिर्च पहले ही इसमें डाल चुकी हूँ टमाटर के प्यूरी के साथ। यदि आप और तीखा खाना पसंद करते हैं तो आप इसमें लाल मिर्च और ऐड कर सकते हैं। बस मसाले को हम अच्छे से चला देंगे, हल्का सा भूनेंगे कि ये अच्छे से तेल छोड़ दें। ये देखिए गाइस हल्का से ये भून चुकी है और तेल भी काफ़ी अच्छे से किनारे किनारे दिखने लगा है। बस
हल्का सा और भूनने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे आलू। तो मैंने 3 से 4 आलू थे जिसको मैंने अच्छे से हाथ से ही मैश कर लिए थे, तो वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। हम इसके ज़्यादा छोटे या ज़्यादा बड़े पीसेस नहीं करेंगे, जैसे हम भंडारे वाली सब्ज़ी खाते हैं ना, बस उसी अकॉर्डिंग हम ये सब्ज़ी तैयार करेंगे। तो बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, बहुत जल्दी बहुत इजीली बन जाती है। ये देखिए गाइस, इस तरह से हम अच्छे से चला देंगे। आप चाहें तो आप सूखी सब्जी आलू की खा सकते हैं, या रसेदार दही वाली सब्जी भी आप इसमें खा सकते हैं, तो खाने में ये बहुत ही अच्छी लगती है। इसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ पानी। तो पानी मैंने डाला है 1 से 1.5 ग्लास के करीब, और हल्का सा अच्छा सा इसमें उबाल आने तक हमें इसे उबालना है। और यदि आलू थोड़े से बड़े दिख रहे हैं आपको, तो आप इसमें थोड़ा सा और अच्छे से छोटे से कर सकते हैं। ये देखिए, मैं इसे ढक दूंगी। ये देखिए गाइस, 5 से 10 मिनट के बाद हमारी ये सब्ज़ी काफ़ी अच्छी तैयार हो चुकी है और उबल चुकी है। इसके बाद मैंने इसमें ऐड कर दिया हरी धनिया, और अच्छे से हम इसको चला देंगे। हम सब्ज़ी ज़्यादा गाढ़ी नहीं रखेंगे, हल्की सी पतली रखेंगे, जिससे इसका टेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये देखिए गाइस, हमारी सब्ज़ी आलू की सब्ज़ी और चावल की खस्ता क्रस्पी कचौड़ी तैयार है गाइस। ये देखिए, दिखने में भी काफ़ी अच्छी लग रही है और खाने में भी उतनी ही टेस्टी है। तो गाइस, यदि आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको मेरी चावल की खस्ता कचौड़ी मसाले वाली क्रस्पी कचौड़ी कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल एंड टेक केयर।